इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 4 में आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में, और आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, कूलम्स लॉ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्या फॉर्मूला है वो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है क्या? इस डायग्राम में दो चार्जेस लिया गया है। नाउ दोनों चार्जेस कुछ सर्टेन पोजिशन वेक्टर्स पे रखा गया है, दैट इज आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। नाउ अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो है इस डायरेक्शन में। वो होगा एफ वन टू वेक्टर। एंड फोर्स एंड चार्ज टू पर जो फोर्स लग रहा है वो है ड्यू टू क्यू वन, दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये लगेगा राइट वर्ड्स इस डायरेक्शन में। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है इन दोनों के बीच में, वो Q1 से Q2 के लिए होगा R21 वेक्टर। R21 वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे, क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 ड्यू टू Q1। ये R21 जो है डिस्प्लेस, ये जो चार्ज है ये डिस्प्लेस हो रहा है टुवर्ड्स राइट, किसके वजह से? Q1 के वजह से। तो इसलिए हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, वो होगा R21 वेक्टर। और इसका डिस्प्लेसमेंट, Q1 का डिस्प्लेसमेंट Q2 के वजह से हो रहा है, वो है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके लिए हम दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 वेक्टर। वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, देखिए टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। नाउ अब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे लिखना। नाउ कूलम्स लॉ को किस तरह से लिखा जाता है? F12 वेक्टर, F12 वेक्टर फॉर्म में। नाउ वेक्टर्स तो कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर्स किस लिए होता है? सिर्फ डायरेक्शन के लिए। नाउ F12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड का स्क्वायर। नाउ ये मॉड का स्क्वायर क्या है? नाउ अभी आप देखिए, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टू वन वेक्टर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स अलग अलग है लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो मॉड्यूलस डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। आर वन टू वेक्टर इक्वल्स टू आर टू वन वेक्टर इक्वल्स टू आर, वो जो सेम होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू वेक्टर का मॉड। यहां पर डिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर आर वन टू वेक्टर। आप इसी तरह से लिखना आर वन टू कैप। नाउ एफ टू वन, एफ टू वन कैसे लिखेंगे? एफ टू वन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन वेक्टर का मॉड का स्क्वायर डॉट आर टू वन कैप। नाउ हम क्लास 11 में वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वेक्टर एडिशन को भी एक बार फिर। आप देख रहे होंगे ये डायरेक्शन शो कर रहा है, वेक्टर डायरेक्शन वो है आर वन का डायरेक्शन, ये है आर टू का डायरेक्शन। अब ये वेक्टर डायरेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। नाउ अब रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ये डायरेक्शन है, ये R12 का डायरेक्शन, ये R12 का डायरेक्शन, देखिए R12 का डायरेक्शन है, ये है R2 वेक्टर, ये है R12 वेक्टर और ये R1। नाउ वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन में एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स अगर निकल रहा है तो रिजल्टेंट उस वेक्टर से दूसरा वेक्टर का हेड तक अगर ले जाएं तो ए बी सी ये मिलेगा हमको इसका रिजल्टेंट। तो इसको रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? B वेक्टर प्लस प्लस दिस प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर। उसी तरह से हम यहां पर भी लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे? देखिए, आर टू वेक्टर प्लस आर वन टू वेक्टर इक्वल्स टू आर वन वेक्टर। देखिए ये रिजल्टेंट शो कर रहा है आर वन वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे? आर टू वेक्टर प्लस आर वन टू वेक्टर इक्वल्स टू आर वन वेक्टर। अब नाउ आर वन टू वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वन टू वेक्टर इज आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, सिंस ये सेटिस्फाइड है। देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया। ओके, नाउ ये सिंस ये सेटिस्फाइड है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट आर वन टू कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं? वेक्टर बाय मॉड्यूलस, वेक्टर बाय उसी का मॉड्यूलस फॉर्म में। ओके, नाउ मॉड्यूलस ऑफ आर वन टू वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर फ्रॉम वन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फोर इन टू एंड थ्री। तो इक्वेशन जो फोर है, इक्वेशन फोर है, इक्वेशन फोर इन टू एंड थ्री, इस इक्वेशन जो फोर हम लिए हैं इस इक्वेशन को टू और थ्री में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो टू और थ्री में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर वन टू कैप क्या बन जाएगा? आर वन टू कैप क्या बनेगा? आर टू वेक्टर बाई आर वेक्टर, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये फाइनली क्या इक्वेशन मिलेगा? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आर वन टू वेक्टर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में फाइनली इस तरह से हम लिखेंगे जो कि आर क्यूब होगा। उसी तरह से हम एफ वन टू के लिए भी देखते हैं। एफ वन टू क्या है? एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू आर टू वन वेक्टर बाय r। ओके, इसी तरह से लिखेंगे आर टू वन वेक्टर बाय r, क्योंकि मॉड्यूलस है वो r बन जाएगा, वो r बन जाएगा। नाउ अगर हम पूरा कैलकुलेट हिसाब लगाएं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई ये r इंटू आर आर क्यूब डॉट आर टू आर टू वेक्टर। नाउ ये फाइनल इक्वेशन बना। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में जो फॉर्मूलाज है वो कूलम्स लॉ में क्या है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूलाज एक जैसा ही है, इसलिए इसके बीच में जो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में। ओके, नाउ फर्स्ट डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल। सी इलेक्ट्रिकल चार्जेस है यहां पर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल। ग्रेविटेशनल लॉ में मासेस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो कूलम्स लॉ क्या है? बोथ अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, क्योंकि सेम चार्जेस के लिए रिपल्शन होगा और ऑपोजिट चार्जेस के लिए अट्रैक्शन होगा, लेकिन मासेस क्या है? हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा, तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो डेफिनेट है कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है, दैट इज के। अगर हम ये प्रोपोर्शन साइन को हटा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये K क्या है? मीडियम है। ओके, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, और K का वैल्यू क्या होता है? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए यूज होता है एंड वैक्यूम के लिए। ओके, बट अगर हम इसका फॉर्मूला को, अगर प्रोपोर्शन साइन को हटाएं तो ये क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कांस्टेंट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ आपको पता होगा कि कैपिटल जी कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, चेंज होता है वो है स्मॉल जी, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू पोल्स, ड्यू टू हाइट, ये चेंज होगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा कैपिटल जी, इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, वो देखते हैं वो क्या क्या रिजल्ट्स है, वो क्या क्या रिजल्ट्स हमको दिया है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है इट होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके,
नाउ फोल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस कैसे है? पॉइंट चार्जेस इसलिए है क्योंकि पॉइंट चार्जेस का ही हम दो के बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में ही डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं होगा कि किस पॉइंट के लिए हमको निकालना है, और पॉइंट अगर नहीं पता चलेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में आर जो है, जो आर है ये डिस्टेंस ही डिफाइन करता है। अगर ये जो आर दोनों के बीच का पॉइंट, अगर आर हमको नहीं पता होगा तो पॉइंट चार्जेस, तो फिर हमको कूलम्स लॉ वैलिड, कूलम्स लॉ हम निकाल ही नहीं पाएंगे, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा उसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली चार्जेस एट रेस्ट नॉट एंड मोशन। डेफिनेट है कि चार्जेस एट रेस्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट करेगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, ये चीज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह है क्या। ओके, तो ये रेस्ट मोशन पे ही होगा, चार्जेस मूव करता रहेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो चेंज होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन रूल, न्यूटन्स थर्ड लॉ। डेफिनेट है कि एक्शन रिएक्शन रूल है, सेम चार्जेस रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक्शन रिएक्शन ही फॉर्म करेगा रूल, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये दो चार्जेस है ये उसी पर है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन चार्जेस के अकॉर्डिंग, और फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में नहीं निकालते हैं। फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में लग भी रहा है तो उसको हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में रिजॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है, इट ओबेज इनवर्स लॉ फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम एक फॉर्मूला हमको पता चल रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या क्या रूल फॉलो कर रहा है, ओबेज इनवर्स लॉ। ओके, नाउ इनवर्स लॉ पर बेस्ड एक ग्राफ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो R जितना बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा, फोर्स डेफिनेट है कि दो चार्जेस में कम होगा, R जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम होते जाएगा, और ये किस टर्म्स में होगा, स्क्वायर टर्म्स में होगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कूलम्स फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम बट फोर्स डिक्रीजेज विथ 1/k टाइम्स वेन प्लेस्ड इन अदर मीडियम। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि एफ के अगर कोई मीडियम पर है, तो ये के के रिस्पेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ताकि ये मीडियम शो करता है, ठीक है, तो ये के टर्म्स में डिक्रीज करेगा। ओके, तो इसका भी ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफ है जो एफ नॉट है इस पोजीशन पर है, और के जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा तो एफ के डिक्रीज करेगा अलग अलग मीडियम के लिए। ओके, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेम फोर्स इन मीडियम एफ के एंड वैक्यूम एफ नॉट, वॉट विल बी द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट चार्जेस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम अगर दो मीडियम ले लें, ओके, एक होगा वैक्यूम और एयर, और एक होगा कोई मीडियम पर, ओके। नाउ अब अगर दोनों पोजीशंस पर, अगर हम आर डिस्टेंस पर ही चार्जेस रखें, कितना डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि ये एफ नॉट और ये जो एफ के है ये मेंटेन रहे, इट मींस इस क्वेश्चन में एफ के, एफ नॉट इक्वल्स टू एफ के हमको ऑलरेडी दिया गया है कि ये फोर्स को मेंटेन रखना है, तो कितना डिस्टेंस पर हम रखेंगे, आइदर वो वैक्यूम पे हो या मीडियम पे हो, सेम चार्जेस को। ओके, वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला, वी नो दैट एफ नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q1 q2 r2। यहां पर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड टर्म्स में ही हम निकालेंगे, वेक्टर का जरूरत नहीं है। ओके, नाउ तो एफ के लिए क्या यूज करते हैं, 1/4πε0 k यूज करेंगे मीडियम, इंटू q1 q2 r2, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि फोर्स हमको कॉन्स्टेंट रखना है। ओके, नाउ अब हम एफ एप्सिलॉन की को कैसे लिख सकते हैं,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी एट फ्री स्पेस, के इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं q1 q2 अपॉन r के स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन 2, ये मेरा हुआ इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो f नॉट और f के दोनों इक्वल है क्योंकि मेंटेन रखना है, तो ये दोनों कट जाएगा। नाउ 1/4πε0 और इसमें से 1/4πε0 k को छोड़ के 1/4πε0 एलिमिनेट हो जाएगा, q1 q2 इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/r0² इंटू 1/rk² इंटू k, 1/rk² इंटू k सिर्फ रह जाएगा। ओके नाउ अगर हम ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा k r k² / r0² इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r0² / r k² के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या बन जाएगा r0² / r k² इक्वल्स टू k एंड r0 / r k इक्वल्स टू रूट ओवर दिस, ये स्क्वायर के टर्म्स में है तो रूट हटा देंगे, रूट में कन्वर्ट कर देंगे k को, तो r0 हो जाएगा r0 इक्वल्स टू रूट k इंटू आर के एंड आर के क्या हो गया r0 / k। ओके तो मीडियम पर इस डिस्टेंस पर अगर हम रखेंगे तो ये जो फोर्स है ये मेंटेन रहेगा, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। सो फॉर सेम फोर्स एफ नॉट एंड एफ के विथ डाइलेक्ट्रिक के शुड बी r0 / √k। ये आंसर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आइदर न्यूमेरिकल रहेगा आइदर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम्स में और जो भी एग्जाम्स वगैरह में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फोर्स F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर फॉर 2 पॉइंट। हालांकि हम ऑलरेडी वेक्टर्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये देख चुके हैं, दो चार्जेस को जो कूलम्स लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और फ्रॉम डायग्राम हमको ये दिख भी रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। ओके नाउ फ्रॉम डायग्राम सिंस r12 एंड r21 आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, देखो r12 वेक्टर का डायरेक्शन और r21 का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। ओके नाउ ये वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर q1 q2 का r1 है एंड r2 है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 का, इसका डिस्प्लेसमेंट q2 का डिस्प्लेसमेंट r1 के रिस्पेक्ट में r21 वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ q1 विद रिस्पेक्ट टू q2 इसको कैसे लिखेंगे r12 इस डायरेक्शन में। ओके तो जिस तरह से हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कर चुके हैं उसी तरह से हम यहां भी प्रूविंग करेंगे इसको। ओके नाउ सिंस ये तो हो गया, सिंस ये दोनों ऑपोजिट है तो दोनों r12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर एंड r12 कैप, सो r12 कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ r12 कैप ऑल्सो, तो दोनों का पोजिशन, दोनों का वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर्स भी तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दोनों का मॉड्यूलस जो वेक्टर्स है इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू r, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। ओके नाउ अब सॉल्व करते हैं, नाउ वी नो दैट F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का मॉड। ओके ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म डॉट r12 कैप हो गया, अब नाउ ये पूरा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म में। नाउ इसको अगर हम चेंज करें 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैसे आया फ्रॉम इक्वेशन टू डॉट r12 कैप, इसको कर दिया इक्वेशन 3। तो सेम उसी तरह से फोर्स F12 के लिए भी लिखेंगे, F12 क्या हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डॉट r21 कैप। नाउ ये हो गया इक्वेशन 3 एंड ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, r12 जो कैप है ये इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ r21 कैप, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डॉट r21 कैप। नाउ ये r21 कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डॉट r21 कैप, तो ये पूरा फॉर्मूला है r12 वेक्टर के लिए है, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा
F12 वेक्टर, तो माइनस ऑफ, सिंस वी हेंस वी प्रूव दैट F12 वेक्टर और इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन ही आता है स्टूडेंट्स मोस्टली। ओके, और आप जब भी प्रूव करोगे, जब भी प्रूव करोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। मार्किंग स्कीम्स में डायग्राम होता है, एक मार्क्स का डायग्राम जरूर होता है। ओके, तो ये छोड़ना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ही पढ़ते आए हैं, लेकिन सुपरपोजिशन हमें यह बताएगा कि अगर एक फ्रेम में अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, बट यहां पर भी कूलम्स लॉ ही एप्लीकेबल होगा। कूलम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा, हम हर पोजीशन के लिए तो फोर्स एक साथ निकाल सकते हैं, समेशन कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर हमेशा दो चार्जेस को ही निकालेंगे। कैसे, ये देखते हैं। सपोज एक्स वाई प्लेन पर नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, ओके, एंड टिल Qn, ये n है, n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकता है किसी भी पोजीशन पर, जिसका सबका पोजीशन वेक्टर्स दिया गया है R1, R2, R3, R4 एंड ऑल। ओके, नाउ अब हम अदर चार्जेस का फोर्स Q1 पर निकालेंगे। अदर चार्जेस का फोर्स Q1 पर लग रहा है, सब चार्जेस का लगेगा तो निकालेंगे। ओके, नाउ अब हम एट अ टाइम दो चार्जेस को ही कंसिडर करेंगे, जैसे Q1 एंड फर्स्ट, Q1 एंड Q2। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F12। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, उसी तरह से R13 F13 F31, उसी तरह से Q1 एंड Q4 के बीच में लगेगा F41। ओके, और Q1 और Qn के बीच में लगेगा FN1। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बट ऑल द अदर बाय ऑल द अदर चार्जेस। तो इंडिविजुअली तो निकालेंगे, तो बाय ऑल द अदर चार्जेस एक चार्ज के लिए निकालेंगे कि अदर अदर चार्जेस का क्या क्या फोर्सेस है, क्या क्या उस पर फोर्सेस लग रहा है। ओके, नाउ फ्रॉम डायग्राम फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Q4 इज .. इज F12 इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर .. F1n वेक्टर। ओके, तो ये F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इनटू R12 कैप। तो अगेन सेम 1/3 1/4। ओके, 1/3 के लिए Q1 by Q13 लिखेंगे, Q1 Q3 by R13 स्क्वायर इनटू R13 कैप। R14 के लिए 1/4 लिखेंगे .. n के लिए ये लिखेंगे Q1 into Qn। ओके, नाउ इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट है, वो हम बाहर कर देंगे, बाद बाकी सब ये ब्रैकेट फॉर्म में इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फाइनल इक्वेशन होगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये फाइनल इक्वेशन होगा। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल है 3 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द 3 कॉर्नर्स ओके ABC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम एक इक्विलैटरल पहले डायग्राम देख लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ओके,
ट्रायंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर, तो साइड कितना है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट ए एट प्लेस्ड एट कॉर्नर ए, तो पोजीशन ए बी एंड सी। ओके, नाउ पोजीशन ए पर 10 कूलम है, 10 माइक्रो कूलम है चार्ज, पोजीशन बी पर है 5 माइक्रो कूलम है और पोजीशन सी पर है -5 माइक्रो कूलम। ओके, अब गिवन डेटा लिख लेते हैं। QA 10 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। QB को डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 माइक्रो कूलम को, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। एंड QC को डायरेक्टली लिख लेते हैं -5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। नाउ स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन हम मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए नहीं यूज करेंगे, हम माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए यूज करेंगे। ओके, कैलकुलेशन में माइनस यूज नहीं करेंगे। अब फिगर में देखते हैं कुछ की फोर्सेस किस तरह से लग रहा है। ओके, नाउ एट ए पे हमको नेट फोर्स निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। नाउ सी, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एफ ए बी इस डायरेक्शन में होगा, और ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एफ ए सी। ओके, अब जो कि ये मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसका रिजल्टेंट ठीक सेंटर पे आएगा। ये 60 डिग्री है, ये 180 है, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री ये एंगल बन जाएगा। ये जो वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर हमको कैसे मिलेगा, एफ, तो ये वेक्टर को रिजॉल्व अगर करेंगे तो ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो फाइनली अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एफ पर क्या बनेगा, F पर बनेगा F इज इक्वल्स टू एफ ए बी कॉस थीटा प्लस, ये भी इस पर रिजॉल्व होगा, प्लस एफ ए सी कॉस थीटा। ओके, ये रिजॉल्व कर देंगे हमको मिल जाएगा। अब हम पहले ये डिटरमाइन कर लेते हैं एफ ए बी और एफ ए सी कितना है। ओके, तो F ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। Q1 कितना है, Q1 एंड Q2 दैट इज A, Q1 है A एंड B, ये हम B के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो QA कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू QB कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा। नाउ अगर हम नंबर्स को एक तरफ कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 9, 10, 90 एंड 5, 450 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.01। ओके, ये 1/100 भी हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 450 इंटू 10 टू द पावर -3/1/100। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है 3 है, यहां पर 1, 2, 3, ये बन जाएगा 45 न्यूटन। ओके, ये जीरोस भी ऊपर आ जाएगा तो यहां पर 3 जीरोस हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -3 कैंसिल होके 45 न्यूटन बनेगा। ओके, एफ ए बी, अब एफ ए सी कितना होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो एफ ए सी भी हमें मिलेगा 45 न्यूटन, क्योंकि ए, जब अगर हम ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4π तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, क्यू ए का वैल्यू अगेन 10 माइक्रो कूलम होगा, और बी, और यहां पर जो सी होगा, ए सी निकाल रहे हैं तो सी होगा वो -5, तो माइनस हम यूज नहीं करेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 ही यूज करेंगे, तो अगेन 45 न्यूटन ही मिलेगा। तो नाउ नेट फोर्स ऑन ए, एफ इज इक्वल्स टू एफ ए बी cos थीटा प्लस एफ ए सी cos थीटा।
ओके अब ये क्या हो जाएगा, नाउ एफ ए बी 45 इंटू कॉस, अब ये कॉस थीटा क्या है, ये कॉस 60 डिग्री प्लस 45 इंटू कॉस 60 डिग्री, ओके तो 45 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 60 होगा हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 45 इंटू 1 इक्वल्स टू 45 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर नेट फोर्स, ओके तो फाइनल आंसर को हम फिर से लिख लेंगे एफ नेट इक्वल्स टू 45 न्यूटन और बॉक्स कर देंगे और ये आंसर, ये बॉक्स इजीली इजी होता है टीचर को देखने के लिए, ओके इसलिए बॉक्स करके लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 8 माइक्रोकुलम, क्यू बी इक्वल्स टू माइनस 10 माइक्रोकुलम, क्यू सी इक्वल्स टू 8 माइक्रोकुलम एंड क्यू डी इक्वल्स टू माइनस 10 माइक्रोकुलम लोकेटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ओके तो डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। एक स्क्वायर है जो फोर कॉर्नर्स पर जिस पर चार्जेस रखा गया है, ओके तो इस पोजीशन पर क्यू ए है वो है 8 माइक्रोकुलम, यहां पर क्यू बी है वो है माइनस 10 माइक्रोकुलम, इस पोजीशन पर क्यू सी रखा गया है वो है 8 माइक्रोकुलम और यहां पर क्यू डी रखा गया है वो है माइनस 10 माइक्रोकुलम, ओके और अब क्या बोला गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर, तो इसका सेंटर इस पोजीशन पर होगा तो इसको डॉट 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 दे करके हम अगर हम ज्वाइन कर दें तो 1 माइक्रोकुलम इस पोजीशन पर है, ओके नाउ कूलम्स लॉ बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस तब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस जब वो दोनों चार्जेस को अगर एक लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ओके अब इस पर निकालते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस कैसे लगेगा। नाउ पहले डेटा लिख लेते हैं हम लोग, ओके डेटा क्या है, क्यू ए, अब देखो स्टूडेंट्स क्यू ए इक्वल्स टू क्यू सी सेम है तो क्यू ए इक्वल्स टू क्यू सी 8 माइक्रोकुलम, ओके एंड क्यू बी इक्वल्स टू क्यू डी इक्वल्स टू माइनस 10 माइक्रोकुलम, ये हो गया। अब डायग्राम पे आते हैं, क्यू ए का फोर्स हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा दैट इज एफ ए ऑन ओ, ठीक है ओ इसको सेंटर को ओ ले लेते हैं, एफ बी के वजह से नाउ ये नेगेटिव है तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ओके ये पॉजिटिव है चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एफ बी का डायरेक्शन ये। अब ये डायरेक्शन मैंने ये एरो मार्क बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि ये माइनस 10 है मैग्नीट्यूड में, ये इससे ज्यादा है इसलिए डायरेक्शन में भी मैंने शो किया है कि ये इससे ज्यादा फोर्स दे रहा है लग रहा है, ओके नाउ एफ सी के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन इस डायरेक्शन में होगा, ओके एफ सी एंड डी के वजह से नाउ अगेन नेगेटिव चार्ज है तो एफ डी इस डायरेक्शन में होगा, ओके नाउ फ्रॉम डायग्राम ही देखने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम अब डायग्राम देखो, अब मैग्नीट्यूड में QA और QC सेम है तो दोनों सेम फोर्सेस लगा रहा है वो है ऑपोजिट नेचर में, अगेन QB और ये QD है, ये है QA और QC, ये QA और QC अपोजिट फोर्सेस लगा रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लगा रहा है, ओके तो फ्रॉम डायग्राम हम ये लिख सकते हैं कि एफ बी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में इसलिए स्टूडेंट लिखना इजी होगा, इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में उसमें हम डायरेक्शन में माइनस दे सकते हैं, ओके तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ बी को कैसे लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डी वेक्टर में, ओके एंड एफ ए को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ सी वेक्टर फॉर्म में, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लिए इक्वेशन 2, ओके नाउ नेट फोर्स एट 1 माइक्रोकुलम चार्ज दैट इज पॉइंट ओ, ओके
ओ पॉइंट पर क्या लगेगा, तो एफ नेट लगेगा एफ वन समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर पढ़ चुके हैं, एफ वन प्लस सॉरी एफ ए है एफ ए एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ओके, नाउ अगर एक वन और टू में देखें तो एफ बी को क्या लिख सकते हैं माइनस डी और एफ ओ क्या लिख सकते हैं माइनस सी, तो क्या लिख देंगे इसको हम, ए को लिखेंगे माइनस एफ सी प्लस बी को क्या लिखेंगे माइनस एफ डी प्लस एफ सी, ये ऑलरेडी है, और प्लस एफ डी। नाउ ये माइनस एफ डी और माइनस एफ सी, ये माइनस एफ सी किसके साथ जाएगा माइनस एफ डी के साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एफ नेट जो सेंटर पर है वो क्या है जीरो, वो है जीरो। बस ये इतना ही करना है आपको डायग्राम से। ओके, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बहुत ईजी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को टैप करें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।